सोलन की सेब मंडी हिमाचल के लिए वरदान बन चुकी है। इस मंडी से करोड़ों रुपए का व्यापार हो रहा है, जिसके चलते एपीएमसी को भी अच्छा खासा लाभ हो रहा है। इस बार भी मंडी में सेब का अरबों रुपए का व्यापार हुआ है। यही वजह है कि सोलन की सेब मंडी एपीएमसी के लिए लाभ कमाने के लिए बेहतर जरिया बन चुकी है। आपको बता दें कि सोलन की सेब मंडी में देश के प्रत्येक कोने से ग्राहक खरीदारी करने आते हैं। यहां उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। वहीं किसानों को भी उनकी फसल के मुंह मांगे दाम मिलते हैं। आढ़ती बागवानों के साथ कोई धोखाधड़ी ना करे, इसके लिए भी समय-समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। वहीं एपीएमसी के सचिव डॉक्टर आर के शर्मा ने बताया कि सोलन से मंडी ने अभी तक करीबन 2.5 अरब रुपए का व्यापार किया है। उन्होंने बताया कि इस बार सेब की पैदावार कम हुई थी, लेकिन बागवानों को उनकी फसल के अच्छे दाम एपीएमसी द्वारा दिलवाए गए, जिसके कारण सभी बागवान बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि बागवानों को समय पर उनकी मेहनत का पैसा मिले, इस बात का भी ध्यान रखा गया। बोली लगाते हुए सभी तरह की सावधानियां और पारदर्शिता रखी गई। उन्होंने बताया कि अभी तक सोलन सेब मंडी में 21 लाख पेटियां सेब की पहुंची हैं, बल्कि पिछले वर्ष करीबन 37 लाख पेटियां सेब मंडी में पहुंची थी। एप्पल सीजन की जहां तक बात है, किसानों को काफी लाभ प्राप्त हुआ है। नया ऑर्डिनेंस आया है, उस ऑर्डिनेंस की वजह से किसानों के बगीचों से डायरेक्ट भी व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए वहां गए और वहां से उन्होंने अपने एप्पल को खरीदा है। लेकिन इसकी वजह से हमारे मंडियों में थोड़ा एप्पल का अराइवल कम हुआ है, वो जो लगभग हम ये कह सकते हैं कि आधा हुआ है। लेकिन जो कीमत है, इस पिछले साल के बजाय इस वक्त किसानों को बहुत अच्छी कीमत मिली है। लगभग हमारा 2.80 अरब के करीब का व्यापार हुआ है, जो कि पिछले साल हमारा लगभग 3.25 अरब का व्यापार था। लेकिन इस वर्ष हमारे पास 21 लाख एप्पल के बॉक्स पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले साल हमारे पास 37 लाख बॉक्स पहुंचे थे। रेट पर बॉक्स पिछले साल तो हमारा 2000 से नीचे नीचे रहता था, लेकिन इस बार 3000 रुपए तक भी पर बॉक्स गया है।